गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है द स्ट्रेंजर यानी अजनबी। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई ट्राइड टू इमेजिन, मैं इमेजिन करने का कोशिश करता हूँ। इफ़ माई ग्रैंड फादर, अगर मेरे दादाजी वुड बी लाइक माई फादर, मेरे पिताजी की तरह होते टॉल और स्ट्रॉन्ग, या मेरी माँ की तरह होते शॉर्ट डेलीकेट या और टक्टेट यानी छोटा। डेलीकेट मतलब होता है निष्ठावान और टॉक्टेटिव मतलब बकबक करने। आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया हूँ वेदर, चाहे ही वॉज माई पेटर्नल और मेटर्नल ग्रैंड, चाहे वो मेरे दादाजी हों या नाना जी हों, वो कैसे थे। इवन आफ्टर, इसके बाद सर्चिंग माई माइंड, अपने दिमाग में सर्च करने के बाद, फॉर अर्ली इमेज ऑफ माई ग्रैंड फादर, मेरे ग्रैंड फादर का पुराना इमेज, आई कुडंट रिमेंबर एनी थिंग अबाउट हिम, मुझे उनके बारे में कुछ याद नहीं आता है। वी ऑल स्टूड, हम सभी खड़े थे एक्सपेक्टेंटली एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे उत्सुकतापूर्वक, वाचिंग द पैसेंजर, पैसेंजर को देख रहे थे, फाइल आउट इन टू द रिसीविंग रूम, जो रिसीविंग रूम की तरफ आ रहे थे। ग्रैंड फादर का चाइनीज बैकग्राउंड जो था वो मेड हिम इम्पॉसिबल टू मिस, वह उन्हें अलग बनाता था। उनका ड्रेस ट्रेडिशनल ब्लू कोट था। ही वॉक्ड विथ द डिग्निटी, वह शान से आ रहे थे, और फिर जनरल इंस्पेक्टिंग हिज ट्रॉप्स, जैसे ट्रॉप्स में हो। हिज पेनेट्रेटिंग ब्लैक आइज, उनका व्याप्त हो जाने वाला ब्लैक आई, स्कैंड द हॉल, पूरे हॉल में इधर उधर देख खोज रहा था हम लोगों को। माई पेरेंट्स रश्ड टू ग्रीट हिम, मेरे पिताजी उन्हें देखकर तेजी से जाकर उनका अभिवादन किया। इन एन एक्साइटेड आवाज़ में माई फादर कॉल्ड आउट, मेरे पिताजी ने कहा, नी हाओ, यानी ये चाइनीज वर्ड, इसका मीनिंग है हेलो, आर यू टायर्ड फ्रॉम योर ट्रिप, क्या आप अपनी ट्रिप से थक गए हैं। यू लुक ग्रेट, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। माई पेरेंट सेड मच मोर, मेरे पिताजी ने बहुत कुछ कहा, बट आई कुड नॉट लॉन्गर फॉलो, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ग्रैंड फादर गेव अस ऑल हग्स एंड किसेस, उन्होंने हम सभी को हग किया और किस किया। येट माई ब्रदर्स एंड आई स्टूड अपार्ट, और तब तक मैं और मेरा भाई बगल में खड़ा था, वॉन्डरिंग आश्चर्य से, व्हाट टू डू, क्या करें। फॉर वी हैड जस्ट रियलाइज, हमें महसूस हुआ, दैट ही स्पोक ओनली चाइनीज, वे केवल चाइनीज बोलते थे। अंडर फ्लोइंग आईज ऑफ माई पेरेंट्स, अपने पिता की आँखों में देखते, मैंने कहा हेसिस्टेंटली, हिचकिचाते हुए, नी वाह, आई फेल्टर ट्राइंग टू रिमेंबर, मैं कोशिश कर रहा था समझने का, व्हाट आई सपोज टू से, मैं क्या कहा था। माई ग्रैंड फादर लुकड फर्स्ट एट मी, मेरे ग्रैंड फादर पहले मुझे देखे, देन एट माई पेरेंट्स, उसके बाद मेरे पेरेंट्स को। माई मदर एक्सप्लेन दैट, मेरे माँ ने एक्सप्लेन किया, वी वेयर एज पुअर इन चाइनीज, हम लोग जितना कम चाइनीज जानते हैं, एज ही वाज इन इंग्लिश, उसे उतना कम इंग्लिश आता है। ए मंथ हैड ऑलरेडी पास्ट, एक मंथ बीत चुका था सिंस ग्रैंड फादर्स अराइवल, ग्रैंड फादर के आने से। ऑन ए फ्राइडे, एक फ्राइडे आफ्टरनून, वाइल माई ब्रदर्स वेयर एब्जॉर्ब इन देयर गेम्स, जब अब मेरा भाई अपना गेम खेल रहा था, आई स्टोल ए क्विक ग्लेंस, मैं देखा अपने ग्रैंड फादर की तरफ। एट माई ग्रैंड फादर ही स्टूड रिजिडली, जो खड़े थे स्टेडिंग आउट ऑफ विंडो, एक विंडो के बाहर टकटकी लगा कर देख रहे थे। हीज आईज, उनके आँख फील्ड विथ लोनलीनेस, क्या होता है, उनका अकेलेपन से और फ्रस्ट्रेशन से भर गया था। आई सडनली रिमेम्बर, मुझे अचानक याद आया, द गेम्स ही हैड ब्राउट फॉर अस, जो उन्होंने हमारे लिए लाया था, चाइनीज चेस एंड सम सॉर्ट ऑफ बीन बैग का शॉट। वी हैड थैंक्ड हिम, मैंने उसे थैंक कहा, विथ आवर रिहर्स्ड, अपने मन ही मन दोहराते हुए, साय, एंड मेड अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द गिफ्ट, और उस गिफ्ट को समझने की कोशिश किया। येट इवन आफ्टर न्यूमेरस एक्सप्लानेशन, उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लानेशन करने के बाद, द गिफ्ट रिमेंड बियॉन्ड कम्प्रीहेंशन टू अस, वह गिफ्ट हमें समझ में नहीं आ रहा था। दे वेयर सिंबल ऑफ हिज कल्चर, वह उनके कल्चर के सिंबल थे, बट नाउ ले अनटच्ड ऑन द टेबल, लेकिन अभी तक बिना टच के वह टेबल पर पड़ा हुआ था। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई स्निक्ड इन टू माई ग्रैंड फादर्स रूम, मैं अपने ग्रैंड फादर के
रूम में चोरी छिपे देखा। ही वॉज ड्रेस्ड इन ए सिल्क शर्ट, वो एक सिल्क शर्ट पहने हुए थे विथ पैटर्न ऑफ कलरफुल चाइनीज वर्ड, जिन पे चाइनीज वर्ड का क्या पैटर्न बना हुआ था, डिजाइन बना हुआ था। ही सॉफ्टली ह्यूम्ड ए चाइनीज टोन, और वह एक चाइनीज टोन धीरे से गुनगुना रहे थे। आई स्टीड द एक्सप्रेशन ऑफ हिज फेस सीरियस, हमें उनके फेस का एक्सप्रेशन सीरियस लगा। एंड सम व्हाट सेड, और कुछ सेड, ही सीम्ड टू बी रिमिंसिंग, वो दिख रहे थे पास्ट को याद कर रहे थे। फॉर एट द पॉइंट ऑफ टीयर्स फाउंड, और उसी से उनके टीयर आंसू आ गया। देयर वे डाउन हिज वेदर्ड चीक, उनके चीक पे। आई जेंटली क्लोज्ड द डोर, मैंने धीरे से डोर को क्लोज किया। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, और समझने की कोशिश कर। व्हाट आई हैड सीन, मैंने क्या देखा। ए फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों के बाद। आई फाउंड माई डैड अलोन, मैं अपने पिताजी का अकेला पाया। रीडिंग एन इशू ऑफ ए स्पोर्ट मैगजीन, एक स्पोर्ट मैगजीन में कुछ वो पढ़ रहे थे। फैन ही सॉ मी स्टैंडिंग नियर हिम, जब उन्होंने मुझे अपने पास खड़ा देखा। ही पुट डाउन हिज मैगजीन, उन्होंने अपना मैगजीन रख दिया। एंड आस्क्ड, और पूछा। इज देयर समथिंग रॉन्ग जैसन, क्या कोई दिक्कत है जैसन। आज भर इतना ही, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर।